अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लज़्ज़त जहाँ किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपको चिकन मसाला बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। कभी खाने में आप लोग लेट हो जाओ तो उस टाइम आप झटपट इसे तैयार कर सकते हो। इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। यहाँ हम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 250 ग्राम चिकन, 1 मीडियम प्याज चॉप्ट किया हुआ, 2 टेबल स्पून दही, 1 टमाटर चॉप्ट किया हुआ, 1 टीस्पून अदरक बारीक जुलियाना कट में कटी हुई, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 पिंच ऑफ हल्दी। और यहाँ मैंने कढ़ाई गोश्त का मसाला 1/2 टीस्पून लिया है। ये सिर्फ खुशबू के लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड का कढ़ाई गोश्त मसाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा, और उसमें ये 5 से 7 दाने जो हैं वो काली मिर्च के, और ये नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ये है गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्चें 2 कटी हुई, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर बारीक कटा हुआ, यहाँ ये 1 टी स्पून जो है वो मैंने लिया है ड्राई पुदीना, जिसे मैंने क्रश करके रख लिया था ड्राई करने के बाद, और 1/2 लेमन, इसे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। यहाँ नाज़रीन हम ऑयल ले रहे हैं, 2 से 3 टेबल स्पून, 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल लिया है, ये देखें। और इसमें हम अपना ये चॉप्ट किया हुआ प्याज डाल रहे हैं, और इसको हमने फ्राई करना है। के नाज़रीन प्याज जो है हमारा ये पिंक होना शुरू हो गया है। इसको हमने सौते भी नहीं करना और गोल्डन भी नहीं करना, अभी थोड़ा साइडों से गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ज़ीरा और काली मिर्च डालेंगे। उसके बाद लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ही हम 1 by 1 टमाटर और सारे मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालो, इस मसाले को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर हम अपना चिकन डाल देंगे, और इसके साथ मसाले के साथ चिकन को फ्राई करेंगे। लाजमी ना होगी इसमें, ये फ्राई हमारा अच्छा सा हो गया चिकन। और अब हम इससे थोड़ा सा ये 1/2 कप पानी डाल के इसे चिकन को गलाने के लिए रख देंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, हमें 50% गलाना है, बाकी ये दही के साथ अपने आप गल जाएगा। अब हम इसमें हमें पानी डाला है 1/2 कप, और इसके हम लिड ढक देंगे, इस पर कवर कर देंगे, और इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे मीडियम लो पे। नाज़रीन अब ये हम अपने चिकन देख रहे हैं, ये हमारा ऑलमोस्ट 50% तो ये तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे, दो टेबल स्पून दही हमने इसके अंदर डाला है, और इसे अब थोड़ा तेज आंच पे हम
मसाले के साथ और चिकन के साथ दही को फ्राई करेंगे। अच्छा नाज़रीन देखें, अब हम इसे चेक करते हैं। अभी इसका पानी दही का बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारा ये चिकन मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसको डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर ये जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी थी वो डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर हम। और अपना पुदीना। अदरक जो हमने कटिंग करके रखी थी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और ये लेमन हो गया। नाज़रीन हमारा चिकन मसाला तैयार है। अब इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। इंशाल्लाह आपको खा के बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद मैं ज़्यादा चाहूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।